सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मद्देनजर अनुभवी गीतकार जावेद अख्तर ने बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बाद में एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके बारे में मानहानि का आरोप लगाया गया। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा लाए गए मानहानि के मुकदमे के जवाब में बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने मुंबई की एक अदालत से अपनी बहन रंगोली चंदेल का बयान दर्ज करने को कहा है। सुश्री रनौत की ओर से अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान के समक्ष अर्जी दाखिल करने के लिए पेश हुए। 11 अगस्त को अदालत ने इस विषय पर सुनवाई निर्धारित की है। इस महीने की शुरुआत में सुश्री रनौत अदालत में पेश हुई और आरोपों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराया। श्री अख्तर के अनुसार सुश्री रनौत ने टेलीविजन पर उनके बारे में मानहानि के आरोप लगाए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। उन्होंने नवंबर 2020 में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दर्ज की। यह दावा किया जाता है कि सुश्री रनौत ने मिस्टर अख्तर का नाम तब लिया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में अभिनेताओं के कोटरी के अस्तित्व के बारे में बात की। उसके मुकदमे के अनुसार श्री अख्तर पर सुश्री रनौत द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक जवाबी शिकायत में जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था। अभिनेता की शिकायत के अनुसार अपने सह कलाकार के साथ सार्वजनिक लड़ाई के बाद गीतकार ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली को दुर्भावनापूर्ण इरादों और गुप्त प्रेरणाओं के साथ अपने घर पर आमंत्रित किया और फिर उन्हें अवैध रूप से धमकाया। सुश्री रनौत ने कहा कि श्री अख्तर ने उनके मुकदमे के अनुसार उन्हें अपने सह कलाकार के लिए माफी पत्र लिखने के लिए मजबूर किया था।